अस्सलाम वालेकुम। आज इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, इक्विलिब्रियम का आखिरी टॉपिक है, और इसके अंदर जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो इक्विलिब्रियम, इसकी टाइप्स, इसकी कंडीशंस और साथ में इसकी स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम की, ये डिस्कस करना था। लेकिन एक और टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट लग रहा है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा है जिसका नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये शुरू करके इसको पढ़ के फिर हम इक्विलिब्रियम की तरफ जो है वो जाएंगे, और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? डेफिनेशन के मुताबिक, द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी वेयर द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू एक्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। अब हमने पिछले चैप्टर्स में जो है पढ़ा होगा कि अर्थ जो है वो एक फोर्स लगाती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, अपनी तरफ उनको खींचती है, जिसे हम लोग जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और उसकी वजह से जो है जो वो जो फोर्स होती है उसको हम लोग वेट की फोर्स बोलते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगती है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है और ग्रेविटी की फोर्स उसके ऊपर लग रही है, तो हम बोलेंगे कि ये इसकी वेट की फोर्स है। तो ये जो वेट की फोर्स है ये जिस पॉइंट पर लगती है उस पॉइंट को जो है वो हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ये पॉइंट इनसाइड भी हो सकता है बॉडी के और आउटसाइड भी हो सकता है। इस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करे या लगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो पॉइंट होगा उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है, तो उसको हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ये सामने जो है आप कुछ रेगुलर शेप्स की जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सामने आपको नज़र आ रही होगी। जैसे सर्कल है, तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इस तरह ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के जो मीडियंस होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। इसी तरह स्क्वायर है, तो स्क्वायर के डायगनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसके अलावा इररेगुलर शेप्स भी होती हैं, उनका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो निकालने का तरीका होता है अलग से, उसमें गए तो ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सिर्फ इतना समझे कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर जो वेट की फोर्स है वो एक्ट करती है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसके बाद जो हमारा असल टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं, जो कि इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम और स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम की जो है डेफिनेशन पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम को हमने इसके पहले लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वो स्टेट होती है जिसके अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होती बॉडी के ऊपर, या फिर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती है उन सब फोर्सेस का जो सम होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन के बाद जो है इसको देखेंगे कि ये क्या है। व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कम्स टू ज़ीरो द बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये डेफिनेशन शायद हमने पहले भी पढ़ ली है, सबसे पहले वाले लेक्चर में, कि एक बॉडी है उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अगर उनका सम ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। अब फोर्सेस के साथ साथ यहाँ पे टॉर्क भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, वो कंडीशंस के अंदर आएगा कि फोर्स और टॉर्क ये दोनों अगर बॉडी के ऊपर लग रहे हैं और ज़ीरो इनका इफेक्ट आ रहा है, नेट इफेक्ट ज़ीरो आ रहा है इनका, तो जो बॉडी है हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, या तो वो जो स्टेट होती है जिस स्टेट के अंदर बॉडी पाई जाती है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है। अब इसकी टाइप्स के ऊपर जाते हैं। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और जो दूसरा है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक का नाम शायद हमने फ्रिक्शन वाले लेक्चर के अंदर जो है वो पढ़ा था, और स्टैटिक का मतलब क्या था कि रेस्ट के अंदर। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि वो इक्विलिब्रियम जो रेस्ट के अंदर होता है, और डायनेमिक चूँकि वो मोशन थी जिसके अंदर फोर्स भी इन्वॉल्व होती है, या डायनेमिक को हमने शायद चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि जो मोशन के अंदर इक्विलिब्रियम होगा, तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, अ बॉडी इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इफ़ इट इज़ इन रेस्ट, या अ बॉडी एट रेस्ट इज सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएगी, या वो जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं।
एक एग्जांपल तो हमने पहले पढ़ी थी उसकी बुक की, कि एक बुक है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई है और उसके ऊपर एक तो फोर्स लग रही है नीचे डाउनवर्ड की तरफ जो कि वेट की फोर्स है, और एक फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है या जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, अगर चूँकि दोनों जो फोर्सेज हैं वो इक्वल है तो जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी या स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। इसी तरह एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक फॉर एग्जांपल ब्लॉक है या फिर रिंग है या कोई भी चीज़ है, उसके ऊपर एक फ़ोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, एक फ़ोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेज लग रही हैं और उन फोर्सेज का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो भी सेम है और जो फोर्सेज हैं वो दोनों इक्वल है, तो जो बॉडी होगी वो कहीं भी नहीं मूव करेगी, मतलब ना इस तरफ मूव करेगी ना उस तरफ मूव करेगी, क्योंकि दोनों जो फोर्सेज हैं वो इक्वल है। तो इनकी जो नेट फोर्स होगी या नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ज़ीरो के इक्वल होगी, यानी कि फोर्सेज का जो सम है वो ज़ीरो के इक्वल होगा और बॉडी जो है वो रेस्ट के अंदर होगी, तो जो एक स्टेट होगी ये वाली ये स्टेटिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी, इक्विलिब्रियम के अंदर होगी वो, और जो कौन सा इक्विलिब्रियम की कौन सी टाइप के अंदर होगी, स्टेटिक इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। तो ये था स्टेटिक इक्विलिब्रियम। अब बढ़ते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम की तरफ। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इफ़ अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज सेट टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यूनिफॉर्म मोशन जो होती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को बताती है हमें। अब हमने जो एक्सेलरेशन पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, कि जब भी वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा तो जो बॉडी है वो एक्सेलरेट करेगी, मतलब जब भी चेंज आएगा बॉडी के अंदर तो वो एक्सेलरेट करेगी, या फिर उसके ऊपर अगर फोर्स लगाएंगे हम लोग तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी और वो एक्सेलरेट करेगी। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि जो बॉडी है वो हर सेकंड के अंदर इक्वल डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही होती है और इसके अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं होती बॉडी की, मतलब ये कि कोई फोर्स जो है वो नहीं लग रही होती, अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी लेकिन अनबैलेंस फोर्स कोई नहीं लग रही होगी या एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कोई नहीं लग रही होगी। इसकी एग्जांपल जो है वो हम लोग इस तरह से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक कार है, वो मूव कर रही है, कार जो है मूव कर रही है, अब इस कार के यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, एक कार रोड के ऊपर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब इस कार के ऊपर जो है दो फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स जो है वो इंजन की फोर्स है जो कि इस कार को आगे की तरफ लेके जा रही है, और एक फोर्स जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स है जो कि रोड और टायर के दरमियान जो है वो लग रही है और इसको रोकने की कोशिश कर रही है। अब यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि जो इंजन की फोर्स है और ये जो फ्रिक्शन की फोर्स है ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं और इनका जो नेट इफेक्ट आ रहा होता है या फिर रिजल्ट आ रहा होता है वो ज़ीरो होता है, इसीलिए तो वो जो कार है वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, तभी तो उसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही, तभी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही, तभी कोई अनबैलेंस फोर्स जो है वो उसके ऊपर एक्ट नहीं हो रही कि वो जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाए। तो ये जो टाइप होगी ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम की होगी, मतलब जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होती है तो वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। इसी तरह अगर एक और एग्जांपल लें इसकी तो पैराशूटर की एग्जांपल है, कि जब पैराशूटर जहाज़ से जंप करता है तो कुछ देर तक तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंदर जो है वो मूव करता रहता है, मतलब ये कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अंडर जो है वो मूव करता है, मतलब ये कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन जैसे ही वो पैराशूट ओपन करता है अपना तो एयर का एक थ्रस्ट जो है वो उसको ऊपर की तरफ लगता है, मतलब ये कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ लग रही है और एक जो अप थ्रस्ट फोर्स है जो एयर की है पैराशूट के ऊपर जो लग रही है वो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है। तो एक वक्त ऐसा आता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो अप थ्रस्ट की फोर्स है ये दोनों इक्वल हो जाती हैं, और जब इक्वल हो जाती हैं तो वो जो पैराशूटर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा होता है, मतलब ये कि जो फोर्सेस हैं उनका नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाली जो एक एग्जांपल जो है ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम की है, और ये था डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये कि अगर बॉडी रेस्ट के अंदर है और उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो जो वो स्टेट कहलाएगी वो स्टेटिक इक्विलिब्रियम की कहलाएगी, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से और उन उस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही है उनका सम जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो भी जो हमारे पास स्टेट कहलाएगी वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की कहलाएगी। ये थी इसकी काइंड्स, या इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं।
इक्विलिब्रियम की। अब आते हैं इसकी कंडीशंस के ऊपर। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या हैं? अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। या तो वो बॉडी स्टेटिक में हो या फिर डायनेमिक में हो, दोनों जो है वो इक्विलिब्रियम के अंदर कहलाएंगी। इसके कंडीशंस के ऊपर आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट कंडीशन ये है कि तमाम जितनी भी फोर्सेस लग रही हो उनका सम जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। इसको हम लोग मैथमेटिकली यूँ लिख सकते हैं कि समीशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री प्लस जितने भी फोर्सेज हैं इज इक्वल्स टू जीरो। ये जो साइन है समीशन का साइन कहलाता है, और इसका मतलब ये होता है कि जितने भी फोर्सेज हैं यानी कि एफ वन उनको प्लस करो, एफ टू एफ थ्री एफ थ्री एफ थ्री एफ फोर जितने भी हैं उन सबको प्लस करो तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। मतलब यही कि समीशन ऑफ एफ जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अब ये जितनी भी फोर्सेज लग रही हैं इनके कंपोनेंट्स भी, मतलब एक्स एक्सिस में भी जितनी फोर्सेज लग रही हैं वो भी जीरो होनी चाहिए और वाई एक्सिस में जितनी फोर्सेज लग रही हैं वो भी जीरो होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन क्या है? द सम ऑफ ऑल टोर्क्स एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो इक्विलिब्रियम के अंदर। ये सेकेंड कंडीशन है कि फोर्सेज का सम भी जीरो के इक्वल आना चाहिए और टोर्क जितने उन फोर्सेज की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो भी जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे हम लोग कि समीशन ऑफ ऑल द टोर्क्स दैट इज इक्वल्स टू टोर्क वन प्लस टोर्क टू प्लस टोर्क थ्री और जितने भी आगे हैं चलते जाएंगे वो जीरो के इक्वल होने चाहिए। शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे कि समीशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू जीरो। और ये जो टॉर्क्स हैं ये भी एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी, मतलब इनके जो कंपोनेंट्स आएंगे टॉर्क के ये भी जो है वो जीरो के इक्वल आने चाहिए। सब तमाम जितने भी जो है वो सम हो के, ये मतलब तमाम जितने भी इनके कंपोनेंट्स हैं वो जीरो के इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होती हैं जो हमारी बॉडी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर होगी। ये कंडीशन का मतलब था। अब आखिरी जो इसकी चीज़ रह गई है वो स्टेट्स हैं इसकी। और स्टेट्स जो है वो तीन किस्म की होती हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और आखिरी जो होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होता है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेट टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अगर बॉडी को स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे, मतलब थोड़ा सा डिस्प्लेस करें उसको छोड़ें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापसी आ जाए तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। एग्जांपल इसकी बुक के अंदर, ये जो गाइड बुक वगैरह है इसके अंदर कोन की दी हुई है कि कोन अगर रेस्ट कर रही है अपनी बेस के ऊपर और इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और वापसी छोड़ें तो ये वापसी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापसी आ जाएगी। तो ये जो स्टेट है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। इसी तरह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ़ इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन व्हेन इट इज़ स्लाइटली डिस्प्लेस। अगर कोई बॉडी को हम लोग स्लाइटली डिस्प्लेस करें और स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे वो वापसी अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे ना आए तो जो स्टेट होगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की होगी। इसकी एग्जांपल उसी कोन की है। अब वो बेस के ऊपर लाई नहीं कर रही बल्कि अपनी जो नोक वाली साइड होती है उसके ऊपर हमने उसको पहले खड़ा किया हुआ था और उसको सड़क सी हम लोग अगर डिस्प्लेस करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर वापसी नहीं आएगी बल्कि गिर जाएगी और कोई और पोजिशन जो है वो अपना लेगी, मतलब पहली वाली जो इसकी पोजीशन है उस पर वापसी नहीं आएगी। तो ये जो है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसी तरह न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? अ बॉडी इज सेट टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ़ ऑन बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट ऑक्यूपाइज अ न्यू पोजीशन सिमिलर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। मतलब ये कि अगर उस बॉडी को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो वापसी ना आए बल्कि एक ऐसी पोजीशन जो है वो ले ले जो कि इसकी ओरिजिनल पोजीशन के साथ मुशाबियत रखती हो, मतलब एक जैसी हो, ओरिजिनल पोजीशन के जैसी हो। इसकी एग्जांपल जो है वो कौन की ऐसी है कि यूं लेटी हुई है जैसे सामने नज़र आ रही लेटी हुई। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेस करें
तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे तो वापस नहीं आएगी, बल्कि एक नई, जब रेस्ट में आएगी तो एक नई पोजीशन ले लेगी जो कि रिजेंबल करेगी, जो कि सिमिलर होगी इसकी ओरिजिनल पोजीशन की। तो ये इसकी स्टेट्स थी। तो ये थी तीन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ये तो इसकी कौन की एग्जांपल्स दी ना हमने, इनकी एग्जांपल्स हम लोग इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक बुक है, एक पेंसिल है और एक जो है हमारे पास बॉल है। एक बुक, एक पेंसिल और एक बॉल। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए बुक की एग्जांपल लेते हैं कि बुक अगर टेबल पर पड़ी हुई है और बुक को अगर हम लोग स्लाइडली डिस्प्लेस करें और इसको छोड़ें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापसी आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। पेंसिल की एग्जांपल अगर लें तो पेंसिल को अगर हम लोग यूँ खड़ा करें वर्टिकली और इसको खड़ा करके यूँ छोड़ें तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापसी नहीं आएगी। तो ये जो स्टेबल, ये जो स्टेट है इसकी पेंसिल की, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इसी तरह अगर बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करें और जब ये रेस्ट में आए तो ये एक नई पोजीशन जो है वो ले लेगी, और वो जो पोजीशन है वो ओरिजिनल पोजीशन तो नहीं होगी बल्कि एक ऐसी पोजीशन होगी जो कि रिजेंबल कर रही होगी पहली इसकी ओरिजिनल वाली पोजीशन के साथ। तो ये जो बॉल वाली एग्जांपल है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की है। और इसी के साथ साथ जो है आज ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हुआ। हमने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, टॉर्क पढ़ा, कपल का जो था नेक्स्ट लेक्चर था, और आज के लेक्चर में जो है वो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इक्विलिब्रियम और इसकी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बुक्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक जो है वो स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी सारी और भी इन्फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे हम लोग सारी बुक तो नहीं पढ़ सकते, तो नेक्स्ट लेक्चर से जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा जो कि चैप्टर नंबर 7 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।